हेलो एवरीवन। सो ये देखिए, ये कितना ही यम्मी एंड टेस्टी ये मटन पुलाव मसाला बना है। तो चलिए इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने प्रेशर कुकर में 6 से 7 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर दिया है। इसको हमने अच्छे से गर्म होने देना है। सो मैं ऐड कर रही हूँ 3 स्लाइस किए हुए ऑनियन, और ऑनियन को हमने अच्छे से पका लेना है लो फ्लेम पे, जब तक इनका कलर जो है गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता है। तो इस तरीके से चलाते हुए हम इसको पका लेंगे। आप देख सकते हैं ऑनियन का कलर बिल्कुल ब्राउन हो चुका है। तो हम इसमें ऐड कर देंगे हमारा मटन जो हमने मैरिनेट किया हुआ था सिर्फ सॉल्ट से। तो इसको ऐड कर देंगे। मटन ऐड करने के बाद इसमें हम थोड़ा सा ऐड करेंगे 4 स्लाइस किए हुए ऑनियन, क्योंकि इसमें हम टमाटोज यूज़ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ऑनियन का ही बहुत अच्छा इसकी ग्रेवी बनेगी। और 1 चम्मच मैंने ऐड कर दिया जिंजर गार्लिक का पेस्ट। यहाँ पे हम ऐड करेंगे 1 सिनेमन स्टिक, और थोड़ा सा मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ क्लोव्स, ब्लैक पेपर पाउडर, जावित्री और ग्रीन इलायची। यहाँ पे मैंने ऐड कर 2 ब्राउन कार्डमम, और ये मैंने ऐड कर दिया यहाँ पे मसाले। अब हमने जो है इन सबको अच्छे से मिक्स कर देना है लो फ्लेम पे, इस तरीके से चला लेना है। और फ्लेम को हमने लो ही रखना है। और इसमें ऐड करेंगे थोड़े से मसाले। तो मसालों में सबसे पहले 1 छोटा चम्मच, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर यूज़ कर रही हूँ। 1 चम्मच मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ रेड चिली पाउडर, कश्मीरी रेड चिली पाउडर है कलर के लिए। यहाँ पे ऐड कर रहे हैं 1 चम्मच नमक। नमक अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे सभी को, 5 मिनट तक अच्छे से कुक करेंगे इस तरीके से चलाते हुए लो फ्लेम पे ही। और अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी 1 छोटा ग्लास, और उसके बाद हमने जो है इसको विसल लगा लेनी है। तो अब मैं इसके लिए लिड को क्लोज कर दूंगी, और 6 से 7 विसल्स का हमने वेट करना है। तब तक हमारा मटन ऑलमोस्ट 90% तक कुक हो जाएगा। तो ये देखिए हमारा मटन बहुत अच्छे से पक चुका है। इसमें मैंने 1 चम्मच 2 चम्मच धनिया भी डाला है, और धनिया डालने के बाद हमने इसको 10 मिनट तक और अच्छे से पकाना है। और देख सकते हैं ग्रेवी बहुत अच्छे से पक गई है, प्याज जो है बहुत अच्छे से हमारे बिल्कुल गल चुके हैं। और अब इसमें ऐड करेंगे 50 ग्राम कर्ड। तो मैंने यहाँ पे बिल्कुल फ्रेश कर्ड लिया है, दही एकदम फ्रेश होनी चाहिए ताकि ज़्यादा खट्टी ना हो। अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और उसको हमने लो फ्लेम पे पकाना है जब तक हमारी दही अच्छे से भुन ना जाए, एकदम मिक्स हो जाएगी और इसमें से ऑयल सेपरेट हो जाएगा। तो तब तक हमने इसको लो फ्लेम पे इस तरीके से चलाते हुए पका लेना है 10 मिनट तक के लिए। ये देखिए, देख सकते हैं आप, यहाँ पे अब मैं ऐड कर दूँगी कैश्यू का पेस्ट। तो मैंने 10 से 15 कैश्यू को ग्राइंड करके पानी ज़्यादा डाल के इसको लिक्विडी सा ऐसे बना लिया है। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे, और लो फ्लेम पे अनदर 10 से 15 मिनट तक हमने इसको दोबारा से पका लेना है। इससे जो है ग्रेवी हमारी अच्छे से बनेगी, और जो ऑयल है इसमें से सेपरेट होने लग जाएगा। सो तब तक हमने पका लेना है जब तक। और यहाँ पे मैंने ऐड करा है 1 छोटा चम्मच मटन मसाला, और थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर, इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सो यहाँ पे मैंने 7 से 8 ग्रीन चिलीज ली हैं, उसको स्लिक करके यूज़ करा है। चिलीज अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। तो ग्रीन चिलीज अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ले सकते हैं। देखिए अभी हमने इसको और अच्छे से पकाना है जब तक इसमें से ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता, और मटन हमारा अच्छे से पक नहीं जाता है, गल नहीं जाता है तब तक। यहाँ पे मैं थोड़ी सी सीजनिंग भी चेक करूँगी, अकॉर्डिंगली किसी चीज़ की ज़रूरत हो आप ऐड कर सकते हैं। सो अभी आप देख सकते हैं मटन हमारा बहुत अच्छे से पक चुका है। इसमें से ऑयल आप देख सकते हैं बिल्कुल सेपरेट होना शुरू हो गया है। तो ये हमारा टेस्टी भुना मटन भुना मसाला जो है बिल्कुल बनके तैयार हो गया है, जिसको मैंने गार्निश कर दिया है ये धनिया पत्ती से। और ये यम्मी एंड टेस्टी रेसिपी आप जरूर ट्राई कीजिएगा। मेरी रेसिपी कैसे लगे मेंशन कमेंट सेक्शन में। सो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब।